तो अगर आपके पास भी सैमसंग का A52 है और उसमें मसला ये आ गया है कि आपसे लैंग्वेज चेंज हो गई है फ़ोन की, कुछ इस तरह की लैंग्वेज एक्टिव हो चुकी है और अब सेटिंग्स के अंदर भी हमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा कि लैंग्वेज चेंज होगी कैसे, तो परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा जिससे आसानी से आप लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। दोस्तों आपने आ जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद हम आ जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, ये वाला आइकन होगा दोस्तों, इसको ओके कीजिए, फर्स्ट वाला ओके कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है। आपने अगर कोई न्यू अपने कंट्री या रीजन के हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप इंग्लिश पे ही एक्टिव करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर देंगे इंग्लिश पे आ गए। इंग्लिश फर्स्ट पे आ गई है तो एक्टिव हो चुकी है। वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।